चीन और पाकिस्तान से भारत को सबसे ज्यादा खतरा है। पाकिस्तान पहले भी भारत में कई बार हमले कर चुका है, हालांकि उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। वहीं चीन भी भारत के साथ विश्वासघात कर चुका है। ऐसे में पीएम मोदी भारत की ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। अब इसी को लेकर इजराइल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने देश के दुश्मनों से निपटने के लिए अत्याधुनिक हथियार खरीदने के ऑर्डर दिए हुए हैं और साथ ही भारत में भी हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। हथियार खरीदने की होड़ में भारत लगातार सबसे बड़ा बाजार साबित हो रहा है। खबर है कि पिछले साल भारत ने इजराइल से सबसे अधिक हथियार खरीदे हैं। ये आंकड़ा पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र का है, जिसके अनुसार भारत द्वारा हथियारों की खरीद में काफी बढ़ोतरी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के सैन्य निर्यात में 2017 में 41% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रक्षा क्षेत्र में यह लगातार तीसरे साल बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बार इजराइल में हथियारों की खरीद $9.2 बिलियन तक पहुंच गई है। इजराइल से तमाम देश हथियार खरीदते हैं, जिसमें से तीन सबसे बड़े वो देश हैं जो कि 58% हथियार इजराइल से खरीदते हैं, जिसमें भारत का स्थान सबसे आगे है। भारत ने करीब $715 मिलियन तक के हथियार बीते वर्ष खरीदे हैं। वहीं दूसरे पायदान पर वियतनाम का नाम आता है, उसने करीब $142 मिलियन के हथियार खरीदे हैं, जबकि अजरबैजान ने तकरीबन $137 मिलियन के हथियार इजराइल से अभी तक बीते वर्ष में खरीदे हैं। आपको बता दें, इजराइल मौजूदा समय में 21% हथियार यूरोप के देशों को बेचता है, जबकि नॉर्थ अमेरिका को 14%, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका को 7% हथियार इजराइल बेचता है। इजराइल द्वारा बेचे जाने वाले हथियारों में सबसे ज्यादा हवाई हमले में सुरक्षा, रडार सिस्टम और संचार संधान से जुड़े हथियार हैं। सबसे अधिक हथियार इनमें वो होते हैं जो इजराइल की सेना फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाकों में इस्तेमाल कर चुकी होती है। ऐसे में इन हथियारों की टेस्टिंग पहले से ही हो चुकी होती है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।